हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको अपने सोलर के साथ एक साल पूरे होने जा रहे हैं, तो मैं एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक वीडियो डालने की सोचा, तो मैंने आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सोलर के साथ मेरा कैसा जो है रिव्यू रहा एक साल का, कैसी यात्रा रही, मतलब कैसी जर्नी रही, तो आज मैं पूरी जानकारी आपको शेयर करूँगा। तो आप मैं सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो MCB है, ये सोलर से आई हुई है, ऊपर से ये दो वायर आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये जो गए हैं स्मार्टन के प्राइम प्लस MPPT सोलर PCU किट में, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद ये जो वायर स्मार्टन के कंट्रोलर से आए हुए हैं, वो इस MCB से होते हुए बैटरी को गए हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो बैटरी है इसमें प्लस और माइनस दोनों कनेक्ट हैं। और इसके बाद ये है इकोवाट XL 1650 ल्यूमिनस का इन्वर्टर 12 वोल्ट वाला। तो इस सिंगल बैटरी से एक ही इन्वर्टर, यानी एक ही बैटरी से, इस इन्वर्टर से मैं सारे घर का लोड चलाता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि नेक्सस कंपनी का मैंने सोलर पैनल लगाया हुआ है, और वो भी 12 वोल्ट का सिंगल सोलर पैनल लगाया हुआ है, जिसको मैं अभी आपको छत से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये सोलर पैनल 12 वोल्ट का एक ही पैनल लगा हुआ है, नेक्सस कंपनी का। आप देख सकते हैं छत पर, जो मैंने जूम करके अभी आपको दिखाया हुआ है, और एक ही पैनल लगा हुआ है। और एक ही पैनल से मैं पिछले एक साल से अपने घर का पूरा लोड चला रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक ही सिंगल सोलर पैनल से मैं पूरे घर का लोड चलाता हूँ। और मैंने आपको बताया कि पिछले एक साल से मैंने सोलर से ही पूरा घर का लोड चलाया है। मैं अभी घर का लोड भी दिखाऊंगा, क्या क्या लोड चलाता हूँ। और मैंने पहले भी बताया है कि मैंने अपने घर की जो है बिजली का कनेक्शन कटवा दिया है। मैं MP गवर्नमेंट की बिल्कुल भी बिजली यूज नहीं करता हूँ। मैंने पिछले एक साल से 1% भी बिजली यूज नहीं की MP गवर्नमेंट की। मैं पूरा ही कैसा भी मौसम रहा हो, सर्दियों का, गर्मियों का या बारिश का, सभी मौसम में मैंने इसी से पूरा लोड लिया है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या लोड चलाता हूँ, और कौन कौन से फैन चलाता हूँ, कौन कौन से इक्विपमेंट चलाता हूँ। तो चलिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इन्वर्टर की MCB ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं इस पर लिखा है इन्वर्टर, तो मैं इस इन्वर्टर की MCB को उठा देता हूँ, तो इन्वर्टर मेरा ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं BP आवाज़ से इन्वर्टर ऑन हो गया है। तो चलिए मैं दोस्तों मैं आपको लोड दिखाता हूँ क्या क्या चलता है। तो मैं इस सोलर पैनल से अपने घर के 4 फैन चलाता हूँ, DC फैन, जिसको आप देख सकते हैं। इस कंट्रोलर से 12 वोल्ट ही निकलते हैं। क्या है कि 12 वोल्ट के जो सोलर पैनल है उससे 18 वोल्ट तक निकलते हैं। तो इस जो आप देख सकते हैं ये जन सोलर का कंट्रोलर है, इससे 12 वोल्ट ही निकलते हैं, इसलिए मैंने एक कंट्रोल लगाया हुआ है। और ये दो वायर आप देख सकते हैं जो गए हैं, ये दो वायर आप देख सकते हैं, ये दोनों फैन के लिए गए हैं इस कंट्रोलर से। और ये दो वायर इनपुट के हैं बैटरी से, और ये दो वायर है आउटपुट के। तो आप देख सकते हैं ये अलग से बाईपास गए हैं फैन के लिए, और ए वाले जो वायर गए हैं ये AC करंट के लिए गए हैं, ए DC करंट के हैं। आप देख सकते हैं ये जो है DC करंट के हैं, ये वायर एक वायर DC करंट के हैं, और ए वाले AC करंट के गए हैं, यानी कि AC करंट से जो इक्विपमेंट चलते हैं वो AC करंट से चलाते हैं, और DC से ओनली फैन चलाते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप। तो देखिए दोस्तों, मैं दुकान में आ गया हूँ, और ये है DC फैन जुपिटर कंपनी का। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, और मैं जो DC फैन है वो DC करंट से चलता है। तो आप देख सकते हैं ये चलता है इस रिमोट से, आप देख सकते हैं इस रिमोट से चलता है। देख सकते हैं इस रिमोट से, तो इस रिमोट को जो है पावर ऑन का, तो इसको मैं दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं फैन जो है ऑन हो गया है। तो ये जो है डायरेक्ट करंट से चलता है, DC करंट से। तो ये जुपिटर कंपनी का फैन, आप देख सकते हैं आवाज़ भी आने लगी है, काफ़ी स्पीड पकड़ चुका है।
और इसके बाद जो एसी करंट चलते हैं वो चलता है मेरा कंप्यूटर, प्रिंटर, एक ए वाला प्रिंटर, ये लैपटॉप, एक ए वाला प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन और इतने सारे एलईडी बल्ब और एलईडी ट्यूबलाइट। मैं आपको जला के दिखाता हूँ एलईडी ट्यूबलाइट, आप देख सकते हैं कितनी सारी एलईडी ट्यूबलाइट भी लगाई हुई है। ये मैं कस्टमर आते हैं तभी ऑन करता हूँ, परमानेंट ऑन नहीं करता हूँ, मैंने ऑफ कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि मैं इतना लोड सिंगल सोलर पैनल से चलाता हूँ। तो इसके बाद मैंने चार फैन और लगाए हुए हैं जो मेरे अंदर रूमों में लगे हुए हैं, तो वो तो मैंने पिछली वीडियो में दिखाए हुए हैं, अगर आपको देखना है तो आप पिछली वीडियो में मेरा भी देख सकते हैं। तो मेरा पिछले एक साल का जो सोलर के साथ रिव्यू रहा वो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी जर्नी रही, मैं सोलर से बिल्कुल खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं ये है मेरी दुकान और ये हैं बच्चे। तो धन्यवाद।